बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ थ्री लेयर्स अबाया किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस अबाया की जो कटिंग और स्टिचिंग है ये मैं इनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप थ्री लेयर अबाया की कटिंग और स्टिचिंग सिखाइए, तो आज मैंने इसे बनाना सिखाया है। सबसे पहले हम पेपर पर इसकी कटिंग सीख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ये पेपर लिया है, इसी में मैं आपको सबसे पहले कटिंग सिखाऊंगी। अगर आपको कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो आप सीख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी, तो बड़े का मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस डॉल को मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर लेंथ लेनी होगी, तो फुल लेंथ आप निकाल लीजिए जितनी भी आपकी है। उसके बाद में हमें जो है दो अलग से लेयर्स इसके अंदर बनानी है। तो फुल लेंथ आपकी अगर 55 है तो आप 56 लेंगे, 54 है तो 55 लेंगे। तो एक इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। तो इसके अंदर जो है वो थ्री लेयर्स रहता है, तो आपको जो है एक लेयर छोटी, दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद जो लास्ट वाली वो फुल लेंथ लेनी है। तो पहली लेयर जो है वो आप 36 या 37 रख सकते हैं, मैं आपको 36 वाली बताऊँगी। उसके बाद में जो इसकी सेकंड लेयर रहेगी उसके अंदर हम 9 इंच प्लस करेंगे, यानी आपकी जो दूसरी लेयर रहेगी वो 45 इंच तक रहेगी। और जो थर्ड वाली रहेगी वो आपको फुल लेंथ ले लेनी है, जितनी भी आपके अबाया की लेंथ है, लेकिन आपको सब में जो है हाफ हाफ इंच या फिर एक इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो वो कपड़ा कम नहीं हो। तो तीन लेयर में जो है ये अबाया बनाया जाता है। तो इसके लिए जो है आप जॉर्जेट का या फिर शिफॉन का फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले पेपर पर हम इसकी कटिंग सीखेंगे। तो इस अबाये के लिए 8 मीटर तक कपड़ा लगता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर की कटिंग करेंगे, उसके लिए आपको इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि ये अबाया जो है वो लेयर्स में बनता है, तो इसमें जो है विड्थ बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। कपड़े की विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो आपके जो है तीनों जो राउंड होंगे वो एकदम परफेक्ट बैठेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट लेयर बनाने के लिए आपको इस तरीके से जो है वो मार्क करते चले जाना है। 36 इंच पे आप इस तरह से राउंड बनाएंगे, यानी हाफ राउंड सर्कल में इस तरह आपको बनाने हैं। तो पहले हमने जो है इस तरीके से इसे रख के मार्क कर देना है, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। और अगर आप जो है वो कम विड्थ का फैब्रिक लेते हैं इस तरह का अबाया बनाने के लिए, तो वो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेयर तो आप कट कर देंगे, लेकिन जो थर्ड लेयर रहेगी वो आपकी नहीं बनेगी। उसके लिए आपको जो है चौड़े विड्थ के कपड़े की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम दोबारा से कपड़ा लेंगे और उसे जो है इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब जो है हमने जो ये फोल्ड किया है, थोड़ा सा हम इसमें चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे, देखिए इस तरीके से, क्योंकि अब हमारी सेकेंड लेयर रहेगी जिसमें हमें जो है नीचे थोड़ा सा और लंबा करना, यानी हम 9 इंच तक इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आपको जो है इस तरीके से देखिए 9 इंच तक, जहाँ से हमारा सर्कल है वहीं से 9 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऊपर कॉर्नर से भी 45 इंच पे मार्क कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मार्क करते हुए हमें यहाँ पे दोबारा से राउंड शेप इस तरह ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 45 इंच हो गया, ये ऊपर वाला हमारा 36 इंच हो गया, और ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 36 के बाद हमने 9 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपको फैब्रिक में भी सेम इसी तरीके से ही कट करना है, तीन अलग अलग से लेयर्स आपको कट करना है। तो दो लेयर हमारी कट हो चुकी है। तो सेकेंड लेयर में हमने यहाँ पे जो है वो 9 इंच ऐड किया था, लेकिन अब हमें 45 में 10 इंच ऐड करना है, यानी अब हमारी जो नीचे की थर्ड लेयर रहेगी वो जो है हमारी 56 इंच रहेगी। तो पहले हमने 36 इंच के हिसाब से कट किया, उसमें 9 इंच हमने ऐड किया, तो हमारा 45 सेकेंड लेयर थी, थर्ड लेयर हमारी जो है वो 55 या 56 रहेगी, यानी टोटल जितनी आपकी अबाया की लेंथ होगी पैर तक की उतनी आपको लेना है। यानी 55 है तो एक इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जो ये लास्ट वाला रहेगा फैब्रिक, यहाँ पे आपको पूरी चौड़ाई लेनी है फैब्रिक की, यानी अगर आपका जो फैब्रिक है वो 58 या 60 विड्थ का है तो ही इसमें बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी लंबाई ले लेनी है। तो इस तरीके से फोल्ड करें कि आपकी जो पूरी लंबाई है वो दोनों तरफ से आ जाए इसके अंदर, यानी फुल लेंथ आपको अपने अबाया की लास्ट वाली स्ट्रिप में रखनी है। तो यहाँ पे अलग अलग से हम तीन जो है वो लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अगर इस तरीके का अबाया बनाना है तो आपको जो है वो जॉर्जेट या फिर शिफॉन का फैब्रिक ही लेना होगा। अगर आप मोटा फैब्रिक लेंगे तो बहुत ज़्यादा वज़न बनेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब हम तीसरी लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है हम 10 इंच और बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमने 9 इंच ऐड किया सेकेंड लेयर में, और थर्ड लेयर में हम 10 इंच ऐड कर रहे हैं। तो टोटल लंबाई हमारी जो है वो 56 इंच हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 10-10 इंच पे निशान लगाते चले जाएंगे और दोबारा सर्कल लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट ऊपर कॉर्नर से जो है वो 55 या 56 इंच पे निशान लगा सकते हैं अपने अबाया की लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पे हम पहले मार्क करेंगे, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने इसे शेप दे दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये पेपर है तो इसलिए मैं यहाँ पे उठा के कट कर रही हूँ, फैब्रिक को आपको नीचे रखते हुए कटना है। तो यहाँ पे तीनों लेयर हमारी कट हो चुकी है, देखिए इसी तरीके से हमें तीनों लेयर की कटिंग करनी है। इसे सबसे पहले हम खोल देंगे। इसे सिलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस कटिंग के वक्त आपको ध्यान रखना है, वरना जो आपका अबाया है वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हमने कर दी है, उसके बाद एक के ऊपर एक हम इसे रखेंगे और एक सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बराबर रखा है, और इसकी किनारे पर आप चाहें तो पीको करा दें या फिर बारीक डबल सिलाई कर सकते हैं, उसके बाद में इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पेपर को ही अटैच करके पहले बता देती हूँ किस तरीके से आपको सिलाई लगानी है फैब्रिक में। तो आप पेपर पे अच्छी तरीके से सीख लीजिए, फिर आपको कपड़े पे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कपड़े पर भी सेम यही मेथड रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह दोबारा से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे अब इसका शोल्डर लेंगे, यानी आपका शोल्डर जितना भी है उसका हाफ आपको मार्क करना है। तो शोल्डर मार्क करने के लिए आपको अपना शोल्डर ले लेना, अगर 14 है तो आप 7 लेंगे, 15 है तो आप 7.5 लेंगे। तो यहाँ पे इसे हाफ़ करेंगे, क्योंकि हम अबाया बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है वो 7.5 मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको अपना शोल्डर नापना है, उसके बाद उसका हाफ़ कर लेना है। तो अबाया है इसलिए आप थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तो चल जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं डॉल के हिसाब से बना रही हूँ, तो डॉल का मैंने मेजरमेंट लिया, देखिए इतना आया, तो उसके बाद में हम उसका हाफ़ करके यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर हो जाएगा। उसके बाद में यहीं से हमें जो है हमारे आर्म राउंड के लिए मार्क करना है। तो इस तरीके से आपको आर्म राउंड ले लेना है, या फिर आप नॉर्मली जैसे कमीज की कटिंग करते हैं आर्म राउंड जिस तरीके से आप निशान लगाते हैं उसका हाफ आपको लेना है। तो यहाँ पे जितना भी आपका रहेगा गोलाई उसका हाफ आप मार्क करेंगे। तो नॉर्मली जो है हम अबाया के लिए 9 या फिर 9.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए ऐसे क्रॉस करना है, और जहाँ पर भी आपका फैब्रिक में 9.5 आएगा वहाँ पर आपको क्रॉस करके मार्क कर देना है। इस तरीके से आपको निशान लगाना है, देखिए ऐसे क्रॉस में निशान लगाएंगे। तो हमारी जो अबाया की स्लीव्स रहेगी स्लीव्स को हम यहीं पे अटैच करेंगे। तो आर्म राउंड के लिए बस यहाँ पे इस तरीके से इसे कट करना है, इसमें शेप बिल्कुल नहीं देना है जैसे हम नॉर्मली कमीज में देते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसे कट कर देंगे और ये हिस्सा जो है वो खुल जाएगा। तो यहीं पे हमें हमारी स्लीव्स को अटैच करना होगा। देखिए मैं इसे खोल के दिखाती हूँ, ये हमारा देखिए बीच वाला हिस्सा शोल्डर का हो गया, और ये आजू बाजू में हमारी ये स्लीव्स यहाँ पे लग जाएगी। तो आपको जो है इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, और इसके बाद में हमें जो है एक स्ट्रिप यहाँ पर अटैच करनी है। तो हम जो है यहाँ पर इसके लिए एक स्ट्रिप कट करेंगे सेम इसी साइज़ का, यानी खोलने के बाद में जो भी इसका साइज़ है उस हिसाब से हम स्ट्रिप को कट करेंगे। तो स्ट्रिप जो है आपको 3.5 इंच चौड़ी लेनी है, बाद में उसे फोल्ड करके लगानी है। तो जब मैं फैब्रिक पे बताऊंगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इसकी कटिंग कर दी है, तो इस स्ट्रिप को हम सामने की तरफ लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा लेनी है, यानी 3.5 इंच तक आप इसकी चौड़ाई को लेंगे और यहाँ सामने की तरफ इसे लगाएंगे, और उसके बाद में आपको स्लीव्स को लगाना है इसके अंदर। अब ये जो नीचे से बचा हुआ फैब्रिक था इसी के अंदर से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। तो और उसके बाद में हमारी जो पहली लेंथ है इसकी स्लीव्स की वो 17 इंच रहेगी, और ये चौड़ाई हम आर्म राउंड के हिसाब से लेंगे, यानी हम यहाँ पर 10 इंच तक रखेंगे। तो आपको जो है दो स्लीव्स एक साथ में कट करनी है दोनों स्लीव्स के लिए। पहले हम एक इसका छोटा हिस्सा कट करेंगे, हमारी जो स्लीव्स है वो भी डबल लेयर में रहेगी, तो पहली लेयर जो इसकी छोटी रहेगी वो 17 इंच रहेगी। इस तरह हम घुमाते जाएंगे और इसे देखिए इस तरह राउंड शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो सिंगल सिंगल करके भी कट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है वो दो छोटी लेयर कट करनी पड़ेगी और दो अलग से बड़ी। तो हमने यहाँ पर एक साथ में 4 फोल्ड किया ताकि हमारी जो दोनों स्लीव्स की जो छोटी लेयर है वो एक साथ में कट हो जाए। उसके बाद में हम बड़ी लेयर कट करेंगे, सेम उसी तरीके से 4 फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, बचे हुए फैब्रिक को, और फिर लंबाई हम बढ़ा के इस पे रखेंगे। यानी हमने जो बड़ी वाली लेंथ है वो 20 इंच रखी है, आप चाहें तो 21 भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ छोटी या बड़ी रख सकते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट हम मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम जो है बड़ी वाली लेयर को पहले रखेंगे, उसके ऊपर हम छोटी वाली लेयर को इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें रखनी है, और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी भी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर रही हूँ, दोनों हिस्से को हम एक साथ में यहाँ पे सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। और फिर इसके अंदर भी जो राउंड वाला हिस्सा रहेगा वहाँ पे भी आप चाहें तो पीको करा लें, आप चाहें तो डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर दिया है सिलाई लगा के, अब इसके राउंड पे हम बाद में सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमारी जो है अबाया की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है। आपको स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करना है और इस पट्टी को हम सामने की तरफ अटैच करेंगे, इसके अंदर बाद में हम बटन लगाएंगे। चलिए अब हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग सीखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक शिफॉन का दुपट्टा लिया है, आप जॉर्जेट का ले सकते हैं, कोई भी आप फैब्रिक पतला लें तो आप कम से कम 8 या उससे थोड़ा ज़्यादा ही मीटर कपड़ा लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है इस अबाया को बनाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में, और हमारी जो पहली लेयर है 36 इंच, उस हिसाब से हम लंबाई में जो है इसे रखेंगे, फैब्रिक को डबल फोल्ड ही करना है और फिर इसे हम शेप देंगे। देखिए यहाँ से आपको मेजर कर लेना है, तो पहली जो हमारी लेंथ है वो 36 इंच है, तो 36 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें मेजर टेप को घुमाते जाना है और यहाँ पर हम गोल घुमाते जाएंगे और मार्क करके इसकी कटिंग कर देंगे। तो फर्स्ट लेयर हमारी कट चुकी है, इसके बाद में सेकेंड लेयर हमें कट करनी है। तो सेम उसी फैब्रिक को हम आगे की तरफ खींचेंगे और लंबाई अब हम बढ़ा देंगे, यानी 9 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा देंगे, और फिर सेम शेप जो है हमें दोबारा से देना है। तो हमारी जो है यहाँ पे सेकेंड लेयर रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप चाहें तो डायरेक्ट 45 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह सर्कल दे दिया इसे, अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद में तीसरी लेयर भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और ज़्यादा लंबाई इसकी बढ़ा देंगे। अब डायरेक्ट जो है हमारे अबाया की फुल लेंथ अब इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि 55 या 56 इंच हम इसके अंदर ले लेंगे। तो अब ये तीसरी यानी कि हमारी फाइनल लेयर है, तो अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो आपको फैब्रिक में भी सेम इसी तरीके से कट करना है, और आपकी जितनी भी लंबाई है अबाया की उसी हिसाब से आपको जो है ये जो ऊपर की दोनों लेयर है वो डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे तीनों लेयर देखिए इस तरीके से कट हो चुका है, तो इसे अब हम खोल देंगे और एक के ऊपर एक तीनों लेयर को हम रखेंगे। सबसे पहले हमने बड़ी लेयर को रखा, उसके बाद में छोटी वाली लेयर को, और फिर इसके ऊपर उससे छोटी लेयर को हमें रखना है, और यहाँ पर जो है हमें बिल्कुल सेंटर साथ में ही लगाना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों लेयर को मैंने रख दिया है, अब हम इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बस एक सिलाई लगा के इसे हमें ज्वाइंट करना है, ताकि हमारी तीनों लेयर जो है वो एक साथ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा राउंड है बारीक से सिलाई लगाएंगे। तीनों पे हमें सिलाई लगानी है, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत करना है इसे, तो आप बाहर से इसे पिको करा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, और अगर आप जो है इसे बहुत ज़्यादा बारीक फोल्ड करेंगे तो ही इसमें खूबसूरती आएगी। तो आपको इसमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी, मैंने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है एक हिस्से में, तीनों हिस्से को मुझे इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो मैंने देखिए तीनों में सिलाई लगा दी है, बहुत ही बारीकी से सिलाई इसमें लगानी है। उसके बाद में दोबारा से इसे हम फोल्ड करेंगे और इसका जो यहाँ पर सेंटर है इसे हम मार्क करेंगे, यानी ये जो हमारे शोल्डर का सेंटर होगा, तो यहाँ पर इसे मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें शोल्डर यहाँ से देखिए दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा उसका हाफ हम करेंगे और यहीं पे हमें मार्क करनी है। तो यहाँ पे मैं डॉल के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसका शोल्डर मैंने लिया है, उसका हाफ किया है। अब जितना भी इसका हाफ आएगा यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, ताकि ये शोल्डर एकदम फिट बैठे। आप अगर बड़े का बना रहे हैं तो आप 7 या फिर 7.5 इंच ले सकते हैं, शोल्डर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर आर्म राउंड लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जैसे हम कुर्ती वगैरह कटिंग करते हैं आर्म राउंड जैसे लेते हैं, उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो बड़ों के हिसाब से यहाँ पे 9 या फिर 9.5 इंच तक रहता है, तो यहाँ पे हम उतना मार्क कर देंगे। तो ऊपर से जो है अगर आपको यहाँ पर निशान लगाना है तो आप 11 इंच तक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है मार्किंग कर दी है, उसके बाद में हम यहाँ पे इसे थोड़ा डार्क करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहीं से हमें हमारी स्लीव्स को अटैच करना है। देखिए बस आपको यहाँ पे क्रॉस में इस तरीके से कट करना है। तो ये आपका जो आर्म राउंड है वो कट हो चुका है, यहीं पे हमारी स्लीव्स अटैच होगी। तो ये टोटल जो राउंड है हमारा आर्म राउंड जो रहता है बिल्कुल वैसे रहेगा। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे, पहली लेयर हमारी जो है वो 17 रहेगी, सेकेंड हमारी 20 इंच तक रहेगी। तो जो भी आपकी आसिंग की लंबाई है वो सेकेंड लेयर में रखिए, और छोटी वाली लेयर को आप थोड़ा कम करके रखिए। फैब्रिक को फोर फोल्ड करेंगे, जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा, जो हमारे सर्कल में से हाफ सर्कल जो हमने कट किया था, जो बचा हुआ फैब्रिक रहता है उसी में से स्लीव्स हमारी निकल जाती है। तो पहले हम जो है इस तरीके से घुमाते हुए जो है 17 इंच तक रख के मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है, डबल फोल्ड किया, फिर मैंने दोबारा से फोल्ड किया, और ये जो क्रॉस वाला हिस्सा ये हमारी लेंथ रहेगी, हमारी स्लीव्स की लेंथ, यहीं से लेनी है आपको, यहीं से आपको जो है वो सर्कल घुमाना है इस तरीके से।
जैसे क्रॉस में कपड़ा रखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने रखा है। पहले हमने सीधा फोल्ड किया, उसके बाद में क्रॉस में कपड़ा रखा है और फिर गोलाई हम यहीं से लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है वो आर्म राउंड रहेगा जो कि हम 10 इंच तक रखेंगे बड़ों के हिसाब से, यहाँ पे जो हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की जो है वो मार्किंग हो गई, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फर्स्ट लेयर जो है हमारी स्लीव्स की कट हो चुकी है, उसके बाद में अब हम जो है सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे। तो सेकंड लेयर की कटिंग करने के लिए दोबारा से हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है। अब हम दोबारा देखिए इसी क्रॉस में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें कपड़ा थोड़ा सा और बड़ा रखना है और स्लीव्स को उसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसके अंदर फुल लेंथ ले लेंगे, यानी हमारी स्लीव्स की जितनी भी लंबाई रहेगी वो हम इसमें ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम 20 इंच तक रख रहे हैं, ऐसे घुमाते जाएंगे। देखिए आपको इसी कॉर्नर से जहाँ से क्रॉस हमने फोल्ड किया था वहीं से आपको सर्कल देना है हमारे स्लीव्स को और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारी कट चुकी है, सेंटर पॉइंट मार्क कर देंगे इसका इस तरीके से। अब इसे सिलने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। पहले हम बड़ी वाली लेयर को रखेंगे, उसके ऊपर हम छोटी लेयर को रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में हमें जो है इसे आपस में जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम जो है बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के इसे जॉइंट करेंगे और ये जो सर्कल है यहाँ पर भी आप चाहे तो पीको कराएं, चाहे तो आप डबल सिलाई करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो इस अबाया को जो है मैं आपको छोटे से उसमें बना के बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फैब्रिक अभी इस वक्त मौजूद नहीं है और मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको छोटे से फैब्रिक पर भी बताऊँ। लेकिन मैंने मेजरमेंट जो भी बताया वो बड़ों के हिसाब से बनाया, तो आप उसी मेजरमेंट के हिसाब से इस अबाया को रेडी करिएगा। अब इसे हम यहाँ से सिलाई करके बंद कर देंगे तो हमारी स्लीव्स जो है यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए फिटिंग की सिलाई इस पर लगा दी, इसे टर्न करके अलग करके रख देंगे हम। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स जो है वो डबल लेयर में बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम बाद में अटैच करेंगे अबाया में। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं तो इससे हमें आसानी हो जाएगी हमारी स्लीव्स को अटैच करने में। तो दोनों स्लीव्स को हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हमारा जो ये अबाया है इसके अंदर हमें जो है वो स्ट्रिप को लगाना है। तो स्ट्रिप लगाने के बाद में आपको स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसे रखेंगे और स्ट्रिप को हम अटैच करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको 3.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट करनी है सेम फैब्रिक से और फिर उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और फिर यहाँ से हम इसे अटैच करना शुरू करेंगे। यानी सीधी तरफ से ही मैंने इसे रखा है। जिस तरीके से बटन पट्टी बनाई जाती है आप चाहें तो अपने तरीके से भी इसे जो है लगा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट फोल्ड करके जो है अंदर की तरफ करके भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से लगा के आपको जो है सामने की तरफ सिलाई लगानी है तो हमारे पास यहाँ पर स्लीव्स लगाने के लिए जगह हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हम बाद में स्लीव्स को इसमें लगाएंगे। तो पट्टी को डबल किया मैंने, यहाँ पर फोल्ड किया और फिर यहाँ पे से हम सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारी पर से हम इसे लगा रहे हैं और ये जो हमने कट किया था आर्म राउंड यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है, उसे बराबर करते हुए ही हम इस स्ट्रिप को लगा देंगे। तो हमें हमारे अबाये को बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं खींचना है, बस इस स्ट्रिप को हम इसी तरीके से लगा देंगे। तो हमने जो है इसे अटैच कर दिया है और यहाँ पे जो शोल्डर वाला हिस्सा है यहाँ पे हल्का हल्का हम 2 कट लगा देंगे और फिर इसे जो है हम देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ ही रहने देंगे हमारे इस स्ट्रिप को और फिर इसे फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से जैसे हम बटन पट्टी वगैरह बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे रेडी करना है। तो आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन हैं। अगर आपको बटन वगैरह नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट इस पट्टी को अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए, लेकिन अगर आपको बटन लगानी है तो इस तरीके से अगर आप पट्टी को बाहर की तरफ निकालेंगे तो आप इस जो है इसके अंदर बटन पट्टी आराम से लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हमें स्लीव्स को लगाना है तो ये आपको ध्यान से देखना है स्लीव्स आप किस तरीके से लगाएंगे। तो जो आपका सिलाई वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ रहे और जो आपका फोल्डिंग वाला हिस्सा है देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर रहेगा ऊपर की तरफ यानी शोल्डर की तरफ। तो सिलाई वाला हिस्सा देखिए मैंने नीचे की तरफ रखा है और इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और गोल घुमाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए स्लीव्स आपको इस तरीके से रखनी है। सिलाई वाला हिस्सा मैंने जो है वो नीचे की तरफ रखा है और जहाँ पे हमने बटन पट्टी लगाया है वहाँ पे हमारा जो है वो क्रॉस वाला हिस्सा है स्लीव्स का। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये जो अबाया है वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जो इसकी कटिंग है वो बहुत ध्यान से आपको करनी है, बाकी सिलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो स्लीव्स को हम इसी तरीके से इसके अंदर अटैच कर देंगे।
और भी अबाया की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर तरह का अबाया जो है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको हर तरह के हिजाब और अबाया और हिजाब इनर कैप की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स को यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो बड़ों का अबाया अगर आप बनाएंगे सेम इसी तरीके से, तो आपका भी जो अबाया है वो सेम ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ मेथड को फॉलो करना है और मेजरमेंट आपको जो है वो बड़ों के हिसाब से लगाना है। इसलिए साथ साथ में मैं आपको बड़ों के मेजरमेंट के हिसाब से ही बताते जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप जो है किसी भी कलर में बना सकते हैं इस अबाया को। अब इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर जो है वो बटन्स लगानी है। तो बटन्स जो है आप चाहें तो काज करके भी डायरेक्ट शर्ट की बटन लगा सकते हैं या फिर शो बटन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे नेक के लिए आपको 7 इंच पे मार्क करना है, यानी बड़ों के हिसाब से आप क्रॉस करेंगे बेचा टिप को और 7 इंच पे छोड़ते हुए उसके बाद आपको नीचे से बटन लगानी है। तो बटन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके लगा सकते हैं, नज़दीक या फिर दूर। तो मैं यहाँ पर जो है वो शर्ट की बटन लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बटन ले लिए शर्ट के, जो मैं ऊपर लगा दूँगी, और यहाँ पर मैं प्रेस बटन अंदर की तरफ लगा रही हूँ। आप डायरेक्ट जो है वो काज करा के बाहर से शर्ट की बटन लगा सकते हैं। तो बस आपको नेक के लिए जो है आपके जो नेक का जो ओपन रखना है वो आपको 7 इंच तक ऊपर छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा अबाया एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने एक छोटा सा बेल्ट भी बना दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप बनाएंगे तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए अबाया को मैंने डॉल के हिसाब से बनाया है, तो मैं आपको जो है इसे पहना के बताती हूँ। तो पहनने के बाद में देखिए किस तरीके से ये दिखाई देगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आती है तो आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डॉल को देखिए मैंने यहाँ पे ये अबाया पहना दिया है, और पहनने के बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जैसे बड़ों का अबाया रहता है उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, तीनों लेयर हमारे यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है इसमें थोड़ा सा जॉर्जेट का या फिर शिफॉन का फैब्रिक यूज़ करें। ये एक के ऊपर एक जब हो जाता है तो ये अपने आप जो है अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसमें अस्तर लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप जो है वो मोटा फैब्रिक लेंगे तो आपका जो ये अबाया है बहुत ज़्यादा मोटा बन जाएगा। तो देखिए अगर बेल्ट आप लगाना चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी अगर किसी तरह का अबाया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।